नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ज़िले के बारे में जिसे कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा की नगरी है। वाकई में ब्रह्मा की नगरी भी उसे कहने में कोई दुखदाई नहीं होगा, कोई झिझक नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक की गोद में बसा ये जिला आपका भी मन मोह सकता है। जी मैं बात कर रहा हूँ बहराइच की, जहाँ घने जंगल और तेजी से बहने वाली नदियाँ जिला बहराइच की खासियत है। जिला बहराइच के महान ऐतिहासिक महत्व है। इसके बारे में भी कई पौराणिक तथा भगवान ब्रह्मा की राजधानी ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह गंधर्व वन के हिस्से का भी रूप में भी जाना जाता है। आज भी जिले के 100 वर्ग किलोमीटर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में जंगल से ढका है, जो खूबसूरती जिले को और खूबसूरत बनाती है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने यहाँ हरियाली में ही ढक दिया है और ब्रह्मा जी ने इस वन क्षेत्र को ऋषियों और साधुओं की पूजा अर्चना के स्थान के रूप में भी विकसित किया था, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए इस स्थान को ब्रह्मा के रूप में भी जाना जाता है। मध्य युग में कुछ इतिहासकार के अनुसार यहाँ जगह भर राजवंश की राजधानी थी, इसीलिए हरची कहा जाता था। लिखा कि बहराइच एक सुंदर शहर है जो पवित्र नदी सरयू के तट पर स्थित है। भगवान राम राज प्रसन्न जी के बेटे पूर्वा राज लव के अनुसार बहराइच ने शासित किया। साथ ही 9 वर्षन की अवधि के दौरान पांडव और मां कुंती के साथ इसी स्थान का दौरा किया था। और ये भी कहा जाता है कि महाराज जनक के गुरु ऋषि अष्ट विक्रय यहाँ रहते थे। ऋषि वाल्मीकि और ऋषि बालक भी यहाँ रहते थे। 1857 की पल्ले स्वतंत्र संग्राम के दौरान भी बहराइच की भूमिका अहम रही है। 7 फरवरी 1856 को निवासी जनरल आउटमेन अवध पर कंपनी का शासन घोषित किया। बहराइच को एक विभाजन का केंद्र बनाया गया था और फिंडिल को इसकी युक्त रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड डेलोसी के छिपे हुए राज्य की राज्य हथुनिया नीति कारण छलनी राष्ट्रीय अंग्रेजों के शासन के खिलाफ था। स्वतंत्र संग्राम के नेता नान साहब और बहादुर शाह जफर ब्रिटिश शासन के खिलाफ चल रहे थे। सम्मेलन के दौरान पेशो नाना साहब ने स्थानीय शासकों के साथ एक गोपनीय बैठक के लिए बहराइच का दौरा किया। वर्तमान में एक स्थान पर आयोजित किया गया था, जो कि नाना साहब राज भिंग बूंदी चली रेहुआ चहद आदि की प्रोत्साहित करते हुए गोलाबारी के रूप में जाना जाता था। इस जगह पर इकट्ठा हुए और नाना साहब को मौत के बाद स्वतंत्र संग्राम के लिए वादा किया गया था। चल रहे वीर बलभद्र सिंह ने स्वतंत्र संग्राम के सक्रिय रूप में भाग लिया। बहराइच में भी विद्रोह शुरू हुआ, जैसे ही अवध में शुरू हुआ। उस समय युक्त पास कर्नल श्री डब्ल्यू कैफली, उपयुक्त लेफ्टन लेग बेली और जी जॉर्डन ने बहराइच में 2 कंपनियों के साथ बहराइच संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पर था। सभी राकावर राज सभी लोगों के समर्थन के साथ अंग्रेज शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ, तो 3 ब्रिटिश अधिकारियों ने नाना पार के माध्यम से हिमालय की ओर रुख किया, लेकिन क्रूर राजाओं के सैनिक ने इस तरह से अवरुद्ध कर दिया। इसीलिए लखनऊ जाने के लिए बहराइच लौट आए, लेकिन जब यह बहरघाट के पास पहुंचे तभी नाव क्रू सैनिक ने नियंत्रण में थी, जिसने गंभीर संघर्ष किया और सभी 3 अधिकारियों मारे गए। पूरे जिले में स्वतंत्र सेनानी के नियंत्रण में आ गया और लखनऊ के नुकसान के बाद स्वतंत्र सेनानी शक्ति सर्डे ने लगाई 27 नवंबर 1857 को चिल्हारी के राज्य बलभद्र सिंह ने चिन्हट के पास अंग्रेजों के साथ युद्ध के दौरान अपना जीवन खो दिया। यह तक कि अंग्रेज ने अपनी बहादुरी की प्रशंसा की भी भूटान के राजा ने भी अपने जीवन को खो दिया। और आपको बता दें कि इसी तरह से कुछ
रहा है बहराइच का इतिहास। बहराइच सन 1920 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना के साथ बहराइच में दूसरा स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत हुई। बाबा युगल बिहार, श्याम बिहारी पांडे, मुरली लाल और दुर्गाचंद ने 1920 में जिले में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उनकी दोनों के दौरान गृह नियम लगी पार्टी में सक्रिय थी। बाबा विद्वान सिंह प्रसाद, रघुपति सहायक, फिर गोरखपुरी और पंडित गौरी शंकर ने श्रीमती सरोज नायडू ने 1926 में बहराइच का दौरा किया और सभी कर्मचारियों को स्वयं शासन के लिए अपील किया और राखी साइंस कमीशन का विरोध करने के 1920 में कुल हड़ताल को नानापार जर्नल और बहराइच टाउन में बुलाया गया था। और बात करें बहराइच जनपद की जनसंख्या के बारे में तो 2001 की जनसंख्या के अनुसार बहराइच में कुल 2001 की जनगणना के अनुसार बहराइच जनपद में कुल संख्या है 2,38,42,439। और ये था बहराइच जनपद का इतिहास। अगर ये आपको अच्छी लगती है तो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।